बहुत स्पेशल, बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग रायता राइस। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल चावल और रायते की जो रेसिपी लेके आई है, बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही मज़े का जो रायता है वो तैयार हुआ है। मैंने टमाटर वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, पुदीने की चटनी बना के वो हमने इसमें इस्तेमाल की है, और एक ही प्लेट में हमने इसकी सर्विंग की है। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग किस्म का जो हमारा रायता और राइस है वो तैयार हो चुके हैं। फुल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आपने मेरी फुल वीडियो को वॉच करना है, बनाना है और ट्राई करना है। इसके बाद आपने मेरे फुल वीडियो को वॉच करके बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और इसी तरह से आप लोग सर्विंग कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ये डिश जो है बहुत पसंद आएगी। तो आइए वीडियो जो है हम बनाना स्टार्ट करते हैं, रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आपके घर में शाद और आबाद रखे, आपके खानों में रिस्क में बरकत आ फरमाए। आज हम पुदीने की चटनी का जो है रायता तैयार कर रहे हैं। पुदीना जो है हमने धो के इसको धूप में रख दिया, इसको हम 5 मिनट से ज़्यादा धूप में नहीं रखें ताकि पानी खुश्क हो जाए। इसी तरह से ये जो पुदीना होता है कूटने में बहुत आसानी होती है, इसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी कुटाई करेंगे। ये हमने चादर के ऊपर जो है फैला दिया है, पुदीने की चटनी तैयार कर रहे हैं। पुदीने के जो पत्ते तोड़ के वो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। पुदीने के पत्ते, सब्ज मिर्च और नमक कलवाजी ये हमने शामिल करके चटनी तैयार कर रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी तैयार होगा रायता। आप लोगों ने जो है फुल वीडियो को वॉच करना है, बनाना है, इसको जो है बहुत ही मेहनत के साथ बनाना पड़ता है। ये जो पुदीने की बारीक बारीक टहनियाँ होती हैं वो भी हमने शामिल की हैं, तो ये रगड़ने में थोड़ा मुश्किल पेश आती है। आप लोग ग्राइंड नहीं कीजिएगा, ग्राइंड करने से जो हाजत होती है वो खत्म हो जाती है, इसलिए मैं इसको भून रही हूँ। प्याज जो है हमारा गोल्डन हो जाए, फिर इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन सब्जी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिया है, जैसा हम शामिल कर देंगे। ग्रेवी है जो है इसको हम इस तरह से तैयार कर लें, इसमें भी हमें नमक मिर्च वगैरह कोई चीज़ शामिल नहीं किया। अब इसमें मटर शामिल कर देंगे, नहीं ये हमने मटर शामिल कर लिए। कुछ हमने सब्जी मिर्च जो है वो कटिंग के बगैर इस तरह से पूरी की पूरी शामिल की है। इसमें नमक शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने नमक शामिल कर दिया, 2 किलो हमने राई ली है, तो 2 किलो मटर लिए शामिल के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर दिए। जो है हम इसको भूनते जा रहे हैं। पानी जो है हम इसमें शामिल कर दिया, इसमें अब हम ब्लैक पेपर जो है वो शामिल कर देंगे। अब पानी को बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। चावल में हमने शामिल कर लिए, अब हम हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे। दोबारा अब हम इसमें चम्मच नहीं चलाना, जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर हमें इसमें चम्मच चलाना है। पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इस स्टेज पर जो है हमने इसको नम लगा देना है 5 मिनट के बाद। फिर हम जो है ढक्कन उठाएंगे और फिर चम्मच चला के फिर मज़ीद 5 मिनट की अगर ज़रूरत पड़ी तो नाम लगाएंगे। चावल जो हमारे तैयार हो चुके हैं, और 5 मिनट के लिए जो है हमने छोड़ दिया था ताकि वो जो भाप वगैरह जज़ब हो जाए, अभी भाप जज़ब हो रही है। तो 5 मिनट के बाद जो हम तैयार करते हैं, चावल जो हमारे बिल्कुल डन हो चुके हैं। हम रायते की तैयारी कर लेते हैं, फिर सर्विंग करते हैं। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम दही को इस तरह से जो है रगड़ लेंगे, बारीक कर लेंगे। इसमें हमने पानी नहीं शामिल करना, इस तरीके से ये हमने बारीक बिल्कुल कर लिया। अब इसमें हम गरम मसाला जो है पिसा हुआ शामिल कर देंगे, और इसमें नमक शामिल करेंगे। इसको जनाब हम करेंगे इस तरह से मिक्स। हमने चटनी में जो है नमक नहीं शामिल किया था, इस वजह से अब हमने नमक शामिल किया, हमने खीरे शामिल कर दिए।
और इसमें हम प्याज शामिल करते हैं। ये जनाब हमने जीरा शामिल कर लिया इस तरह से। लोकली जो रायता बना रही है बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े का है। इसमें मैं टमाटर वगैरह का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया, बहुत अच्छा बनता है। ये जो रेसिपी है हम चावलों के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये रायता, मैं रायता जो है मटर वाले पुलाव के साथ सर्व करके आप लोगों को बताऊंगी कि ये वाला जो रायता कितना टेस्टी बनता है। देखिए सर कलर ग्रीन है, ग्रीन कलर में जो हमने तैयार किया ये पुदीने से हमने तैयार किया है। चावल हमारे तैयार हो जाए तो फिर हम इसकी सर्विंग जो है वो करते हैं। अब हम चावल कर लेते हैं सर्विंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम बड़ी डिश लेंगे, इसमें जो है हम सर्विंग करेंगे। जब आपने साथ में रायते की सर्विंग करनी है, अलग से नहीं करनी, तो आपने बड़ी डिश या बड़ी प्लेट जो है वो लेनी है, उसमें आप लोगों ने सर्विंग करनी है। ये एक साइड पे जो है हमने राइस शामिल कर दिए। ये हमारी सर्विंग हो चुकी है। इसमें आप हम कॉर्नर पर जो है खीरा लगाएंगे इस तरीके से। जब ये भी एक ही प्लेट में आप लोग सर्विंग करें तो इस तरीके से किया करें। ये जनाब चावलों की सर्विंग हो चुकी है। अब हम रायता जो है वो कर लेते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये रायता इस साइड पे चावलों के हिसाब से जो है हम रायता शामिल करेंगे। हमारी बहुत ही टेस्टी और मज़े की डिश जो है वो तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने भी ट्राई ज़रूर करना है, और जिस तरीके से मैंने राइस और रायता तैयार किया है आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।